भाव से किसी का संग काम को प्रकट कर सकता है, लेकिन अनुरागात्मक भाव राम को प्रकट करता है। ये सूत्र भी उसी का है। श्रीमद् भागवत स एव साधुषु कृतो। भगवान कपिल माँ देवहूति को कहते हे माँ, इरादात्मिक संग यदि किसी साधु में हो जाए अनुरागयुक्त, तो तेरे मोक्ष के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। सोचो, सारूप्य मुक्ति अद्भुत, लेकिन सारूप्य भक्ति अति अद्भुत, ऐसा लगता है। ये मुक्ति तो मैंने कहा ख्वाब है, मिले न मिले खबर, चाहिए भी नहीं, तेरा सानिध्य मिले, तेरा सानिध्य जितनी पल भी है। वक्त की कैद में जिंदगी बंद है, चंद घड़ियां जो आजाद है। हमारे हाथ की मूड़ी कितनी, चंद घड़ियां। कोई ठिकाना नहीं, एक छोटा सा संग तार देता है। स एव साधुषु कृतो, मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो सामीप्य भक्ति भक्तिरुत्तमा। Yeah.
करालम काल कालम कृपालम गुणागार संसार कारम रतो हम Thank you.
समीशान निर्वाण रूपम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम्यापकम ब्रह्मवेद stop. However, one landslide, one weather condition change could change all of that. Now, the reason that we've made the decision to do this is so we minimize the amount. ये 1500 मीटर की ऊंचाई पर भी कठमांडू में और सारा कोलारी बॉर्डर एंड देन जानू टू न्यालम. कैलास राम कथा के सभी यात्री भाई बहन, आपके जो ग्रुप बनाए गए हैं उसके सभी नायक, आप सबको सबका स्वागत, सबको प्रणाम, जय सियाराम। भगवत कृपा से अपनी ये यात्रा कल से शुरू होने वाली है, उसका द्वितीय चरण शुरू होगा। आप सबको जानकारी है, कल मैं आपको मिलने वाला था लेकिन अचानक एक खबर आई, इसलिए मैं नहीं आ पाया। इस पूरी कथा का जो निमित्त मात्र यजमान परिवार है, रमेश भाई सचदेव और उसका सारा परिवार, रमेश भाई की बेटी रूपल, उसका बच्चा जो 5 वीक का था, उसका अचानक
सांस रुक गई या ऐसा हुआ कोशिश डॉक्टरों ने की लेकिन वो बच्चा निर्वाण को उपलब्ध हुआ। मैंने रमेश भाई ऋषि उसके परिवार वालों के सभी सदस्यों से बात की, सब बड़े स्वस्थ रहे, धैर्य धारण किया सबने और इतनी सालों से सत्संग कर रहे हैं और ये सत्संग विपत्ति में कैसे उपयोगी होता है वो उसने कल दिखाया। मैं एक ही बात कहूँगा कि मैंने रमेश भाई को कहा कि ऋषि और दोनों को कि लास्ट ईयर ये कथा होने वाली थी, अचानक मेरी तबीयत बिगड़ी और मैं सोच रहा था कि ये कथा कैसे स्थगित करूं। इतने लोग ऑलरेडी आ चुके थे, पूरी तैयारियां हो चुकी थी और मैं बोल नहीं पा रहा था कि कथा, मैं फिर भी कह रहा था कि नहीं जाएंगे करेंगे। लेकिन एक साल पहले भी रमेश भाई और ये ऋषि दोनों तलगाजरड़ा आए और उसने सामने से कहा कि बापू आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम कथा स्थगित रखते हैं, आप जरा भी संकोच न करें, जो हुआ हुआ, खर्चा तो हमको भगवान बहुत दे रहा है तो ये आप स्थगित रखिए। और कथा डॉक्टरों के राय के अनुसार स्थगित भी रखी गई। इस बार ये घटना घटी तो मैंने कल रमेश भाई और ऋषि दोनों को कहा कि बेटा उस समय आपने मेरी तबीयत मेरी मुश्किल के कारण कथा स्थगित रखी थी, इस बार आपके परिवार में ये घटना घटी है तो हम कथा स्थगित करें, इतने लोग ऑलरेडी आ चुके हैं सब समझ जाएंगे। तो दोनों ने कहा मिलकर एक आवाज़ में कि नहीं कथा बंद नहीं रह सकती और ऋषि यहाँ साथ में रहेगा और मैं केवल जाऊँ, डोनर भाई भी साथ गए और दो तीन दिन में सब ठीक हो जाएगा और भगवान करे मैं आखिरी दिन में फिर आ जाऊँ। ऐसा कहकर बड़ी हिम्मत से बड़े धैर्य से वो गए, अभी शायद पहुंचने में होंगे। तो ऐसा एक वो हो गया लेकिन इस परिवार ने बड़ा धैर्य रखा और किसी भी हाल, मैंने कहा कि एक सप्ताह हम डिले कर दें कि 27 को शुरू करें, दो तीन दिन डिले कर दें, हमारा संस्कृत सत्र 31 को हो रहा है, यहाँ पूरा करने के बाद दूसरे दिन तो संस्कृत सत्र है, सालों से चलता है, मैंने कहा वो मैं स्थगित कर दूँ, उसके बाद की एक आध कथा भी इधर उधर कर दूँ, सब समझ जाएंगे कि ऐसी परिस्थिति में ये समझना चाहिए। लेकिन दोनों ने, हम कुछ लोग वहाँ बैठे थे, सबके सामने कहा कि कथा बंद नहीं रहे और आप कथा करें करें। तो ये उसके परिवार का धैर्य समझ सलाम के योग्य है। आप सब आए हैं बड़ा उत्साह लेकर, बड़ी श्रद्धा लेकर, प्रसन्नता से यात्रा का आरंभ करिएगा, सब प्रसन्न है। और खास इतनी ही सूचना कि आपके साथ डॉक्टर्स तो है लेकिन प्लीज़ रास्ते में किसी की तबीयत में भी कोई कुछ डॉक्टर की राय के मुताबिक आप निर्णय करना, रिस्क मत लेना, ऐसा लगे तो लौट जाना। आप जिस निमित्त निकले हैं वो आपकी यात्रा पूरी ही मानी जाएगी, इसलिए भगवान करें किसी की तबीयत। लेकिन हम सब जानते हैं हर वक्त की यात्रा में कभी किसी को सांस की कोई तकलीफ हो तो ऐसे में आप जिद करके रिस्क मत लेना।
आपको जो सलाह दी जाए उसके मुताबिक निर्णय करना। आप बहुत क्षेम कुशल होकर, मैं भी कल यहाँ से निकलूँगा तो सबकी यात्रा बहुत सुखद रहे, प्रसन्नतापूर्ण रहे। और ये हमारा सबका सौभाग्य है, शिखर पर अवर्णी युगों पहले कथा हुई थी, तलेटी में हमारे व्यासपीठ को मौका मिल रहा है। ये हम सबका शिखर पर की थी और हम इनकी कृपा पा करके सब आए हैं और वहाँ जाकर मानस का अनुष्ठान करेंगे। तो हम सब मिलकर के ये 5 सप्ताह का बच्चा जो निर्वाण को प्राप्त कर गया है, उसके लिए 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन करेंगे, श्रद्धांजलि हम उसको समर्पित करेंगे। उसके बाद आप सब प्रसन्न रहे, इसलिए मैं माया भाई 15 मिनट सबको आनंद कराएंगे, मुस्कुराते हुए सबको भेजना है। और आशीष कहता था कि कोई प्रोग्राम हम इस बार नहीं रखेंगे, लेकिन मैंने स्टेज देखा तो समझ गया कि उसने कहा कि तैयारी रखी है बाबू, तो कुछ एक दो पद भजन भी सुनेंगे। कल शायद 5:30 बजे निकलना है सर, 5 बजे अपने अपने ग्रुप में रहना, एक दूसरे को मदद करना। और कोई ऐसी चीज इतनी ऊंचाई पर हमारी मानसिकता न बिगाड़े, इसका ध्यान रखें कि हम उसको ये सुविधा मिल गई, उसको वहाँ जाकर आप देख पाओगे कि यजमान परिवार ने कितनी सुविधा की है। सराहना करने वाला आदमी नहीं हूँ, सब जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा नगर बसा दिया है। मैंने तो अभी फोटो में देखा है एक छोटा सा नगर। और ये कहाँ, ये सब जो हमारे साथ चले थे मानसरोवर की कथा में, हम कैसे रहे थे, कैसी स्थिति से गुजरे थे, उसके सामने तो कहीं को बीच में राक्षसताल की कथा में जो सुविधा आई, जो कल्पना नहीं कर सकते थे। मदन ने तो उसमें एक दूसरे फोन से बात कर सके ऐसी भी योजना बनाई थी कि किसी को ठंडी में, तो उत्तरोत्तर भगवान शंकर किसी को निमित्त बना करके रामकथा का स्वागत उत्तरोत्तर अच्छे ढंग से करने लगे थे। इस बार और अच्छे ढंग से सुविधा वहाँ उपलब्ध करा दी गई है। कुछ लोग ये उदय है और हमारा वो दयाराम है, दिनेश है, नीलेश के कुछ 2-3 आदमी हैं, फिर ये मिलन है और वो अरविंद भाई लंदन से हैं, ये तो वहाँ जाकर बैठे हैं इतनी ठंडी में वर्षा में हमारे सब की व्यवस्था के लिए। तो ये सब और ये युवक लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं, मैं तो कभी मिलूँ न मिलूँ, कुछ पूछूँ न पूछूँ, फिर भी समर्पित भाव से। आज सुबह ही हमारी चर्चा हो रही थी कि मैंने लंदन की कथा में 25 साल पहले कि कितने साल पहले शायद कहा होगा कि मेरी व्यासपीठ बीज बो रही है, इसका फल 25 साल के बाद मैं ये फल देख रहा हूँ। कितने युवा भाई हैं, ये सब अपने ढंग से प्लेन में जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं, अपने खर्चे से जा सकते हैं, ऐसे सक्षम हैं, फिर भी सबकी सेवा के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे लिए तो समय का अभाव होता है, लेकिन एक बार तो बाय रोड ही जाने योग्य ये यात्रा होती है, एक बार वो देखा जाए। हमने देखा तो आप उसको एंजॉय करते हुए जाइएगा, जरा भी इष्ट मंदिर का और रोज नहाना वो भी जरूरी नहीं है, यहाँ पहुँचना ही स्नान है। कैलाश में पहुँचने से शरीर का स्नान नहीं होगा, नेत्रों से स्नान शुरू होगा और इसके समान कोई स्नान नहीं। पूजा पाठ न हो तो भी चिंता मत करना,
वहां जाकर उसको देखो वही पूजा पाठ है तो फिर भी जो कर सको करना लेकिन संपूर्ण आराम करना शरीर को संभालना और हर तरह से अपने आप को इतनी ही मेरी खास आप सबको रिक्वेस्ट है और आप सब सत्संगी हैं मेरी कथा के सालों से आप श्रोता हैं ज़्यादा कहने की आपको मुझे नहीं लगता कि जरूर और ये युवक लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूँ कि ये लोग आपको 40-40 का ग्रुप है और कुछ भी हो तो उसको बता और मैं खबर पूछता रहूँगा कि कहाँ पहुँचे है क्या है क्या है वैसे भारत में था तब भी पूछता रहता था तो हम सब की यात्रा और सुचारू रूप से संपन्न हो ऐसे भगवान महादेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए आओ हम दो मिनट भगवान नाम का कीर्तन इस दिवंगत चेतना के स्मरण में यहाँ साथ में करें श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम मंगल भवन मंगल हारी सोदशरथ कजि रविहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 रामचन्द्र भगवान् श्रीबालकृष्ण भगवान् सदगुरु भगवान् नमः पार्वतीपतये कमलासनी
सका विसहति हंसवाहिनी विसहति मातु हंसवाहिनी माता हमें दे आज रोज भगवान भोलियानाथ भगवान आशुतोष महादेव भगवान कैलास की यात्रा ना पूर्व संध्याए पूज्य बापू की कृपा थी આપણે બધા જયારે અહીંયા ભેગા થયા છે. હમણાં જ બહુ સારા ભજનો આપણે સાંભળ્યા બેન પાસેથી અને બાપુએ મને પણ અહીંથી બોલવાનો અવસર મળ્યો એટલે મારી જાતને પહેલા હું ધન્ય અનુભવું છું. બાપુના ચરણોમાં વંદન કરું છું. પૂજ્ય ચેતન બાપુ, પૂજ્ય દેવા બાપુ, પૂજ્ય જગુ બાપુ, પૂજ્ય પાર્થ બાપુ, કુણાલ બાપુ તેમજ રાજુ બાપુ એ તમામ બાપુના પરિવારના ચરણોમાં પણ વંદન કરું છું. આપ પણ બધાએ જ્યારે અહીં ઉપસ્થિત છો અને એવા જે આપણા યજમાન પરિવાર કથાના ઋષિભાઈ અને એમના આખા પરિવારને બાપુ અમે તમામ જેટલા યાત્રીઓ છીએ એ આ પરિવારના ઋણી રહેશું. કારણ કે એના માટે કહાં સે આયો બસ એમાં બીજું કઈ કરવું જ ન પડે એમ જેની વાણી જેનું હૃદય જેની આંખમાં આંસુ આવશે ભાગવતકાર કહે એને પરમાત્માની બધી સંપત્તિ જેમ બાપની દીકરાને મળે એને મળી જશે. આવું ભાગવતનું તત્ત્વનું કંપામ સુસમીક્ષમાણુ ભુંજાન એવાત્મ કૃતમ વિપાકમ વિદરાગ વપુર વીર વિદધન નમસ્તે જીવે તયો મુક્તિ પદે સદાય ભાગ્ય. ભાગવતકારનું આ વાક્ય છે જેનું જેનું ગદગદ ગીરા થશે જેને હરિને યાદ કરતા જેના કૃષ્ણને સ્મર્યો નથી નેત્ર ભરાણા નથી એને હરિની સંપદા વારસામાં મળશે. થાકી જવાય બાપ નાનું એવું આખું કોટરે કાયાના બેલી ખળભળ્યા આમાં કેમ પહોંચાય કેટલો મુલક દૂર છે આમ ગણીએ તો આપણા જેવા હા પંગુ ચઢે ગિરિભર ગહન એ તો એની કૃપા હોય તો જ. પણ એક વસ્તુ ઉપાય છે હૃદય પ્રેમથી પરિપ્લાવિત આપ્લાવિત થાય વાણી ગદગદ બને કૃષ્ણને યાદ કરતા ઇતિ સંસ્મૃત્ય સંસ્મૃત્ય. આહા નંદ જેવો માણસ
નંદ ભવનના થાંભલાને પકડી મૂંગો મૂંગો રોતો. યશોદાજીનું માથું ખાટલા ઉપર પડ્યું હોય અને બેઠી રહેતી હોય, ન કોઈ દહીં મેળવે દૂધ મેળવે, ન કોઈ વલોણા કરે, ન કોઈ. આવી દશા શ્રીહરિને પ્રગટાવે બાપ. દુર્લભમ કિમ તતસ્તેષામ નાસ્તિ દાતા ગુરુ પર. ગુરુ જેવો કોઈ દાતા નથી. એટલા માટે હરિ સદગુરુ ગાઈએ, હરિ સદગુરુ હરિ બ્રહ્મ સદગુરુ સદાય કરું મારા ગુરુજીની સેવા, સદાય કરું મારા ગુરુજીની સેવા, સદાય કરું મારા ગુરુજીની સેવા, સદાય કરું મારા ગુરુજીની સેવા. હરિ હરિ સદગુરુ હરિ ગુરુ બ્રહ્મ ગુરુ ગુરુ મહાદેવા, ગુરુ બ્રહ્મ ગુરુ મહાદેવા, જન્મ જન્મ લાલ રૂડોલેવા, જન્મ જન્મ લાવલુ સદાય કરું મારા ગુરુજીની સેવા, સદાય કરું મારા ગુરુજીની સેવા, હરિ હરિ બ્રહ્મા સદગુરુ માતા, ગુરુ પિતા ગુરુ મહાદેવા, ગુરુ માતા ગુરુ પિતા ગુરુ મહાદેવા, ગુરુ માતા ગુરુ પિતા ગુરુ મહાદેવા, ગુરુ માતા ગુરુ પિતા ગુરુ મહાદેવા, સદાય કરું મારા તત્વમસ્યાદિલક્ષણ, એકમ નિત્યમ વિમલમચલમ, સર્વધી સાક્ષીભૂતમ, ભાવાતીતમ ત્રિગુણરહિતમ.
यस्य पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुवे नमः हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई गुरु रधिकं तत्वं न गुरु रधिकं तपः तत्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः क्षमा मंडले मंडले धूप भूपाल वृंदे सदा सेवितं यस्य पादारविंदं अरण्ये नवा स्वस्थ गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते गुरोरंध्रिपत्ने मनश्चेन लग्न ततः किं धन्यः सदाचार वृत्तेषु मतो न चान्यः गुरोरन्ध्रिपद्मे मनश्चेन लग्न ततः किं यशो मे गतं दिक्षुदान प्रतापा जगत्वस्तु सर्वं करेयत् प्रसादात् गुरोरंध्रि पद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं
पद गुरुदेवा हरि हर गंगा पद गुरुदेवा अनेक जन्म संप्राप्त कर में धन गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे चैतन्य शांतो व्योमातितो निरंजनः बिंदुनाथ कलातीतः तस्मै श्री गुरवे मारा
सद्गुरुनी शोभाने मुसु कहूं ए तो मुख थी वर्णवी न जाए शिव ब्रह्मा जेवी स्तुति करे जेना वेद निर्मल जश गाए पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः हवे तो सुरता मारी शून्य थई अनिवर्ती पामी विश्राम तो पामी पद निर्वाण आरती करेंगे सर्वे फंद चौरासी नाबंद हरि गुरु राम नी हार भवन्ति सदगुरु प्रियाः गंगा उदूत जी महाराज क्यारे मानस सदगुरु ना प्रेम नु पात्र बने जारे सदाचार वड़े पोताना कर्मों ने धोई ना जेटलू पात्र विशुद्ध एटली कृपा नो ज्यादा अनुभव दुर्लभम किम ततस्तेषां पछी अने शू दुर्लभ जगत में आवो गुरु हनुमान जी जेवु कोई तत्व आपने प्राप्त थे जाए पछी अने शू दुर्लभ जगत कशु दुर्लभ दुर्लभम किम ततस्तेषां अने कोई वस्तु कारण के नास्ति दाता गुरु पर गुरु जेवो कोई दाता गुरु है ने तमने कोई दिवस शिष्य नी उपाधि ना ये तमे मारा चेला छो एम नहीं कहे कोई साचो गुरु ये कोई दिवस एम नहीं कहे कि तमे मारा शिष्य कारण के कोई ने कहू के तू शिष्य छो ये उपाधि छे अने गुरु नु काम तो उपाधियों थी मुक्त करवानो तमाम आधि व्याधि उपाधियों माथी मुक्त करी दे शिव हम
शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम धन्योहम धन्योहम रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो ऋत्वाद्यातिषद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदम् सर्वं यजभूतम् यच्च भव्यम् उतामृतत्व शेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांच पुरुष पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वा उदेत् पुरुष पादोस्येहावत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामस्साशनानशने अपि तस्माद्विराजायत विराजोऽधि पुरुष स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासि राज्यं ग्रीष्मा इद्मशरद्दवी तं यज्ञं वर्हिषि प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रत तेन देवा आयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञा सर्व उतस् समृतं पृषराज्यं पशूनां चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्चये तस्माद्यज्ञात् सर्व उत ऋषस्सामानि जग्निरे छन्दासि जग्निरे तस्माद्दजायत तस्माद्दशवा अजायत एकेशो भयादत गावो अजग्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावय यत्पुरुषं यदातु कतिदाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहु काहुरुपादाहुष्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासि बाहुराजन्य कृतः कुरु तदस्य यदवेश पदव्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्र साग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शिष्णोद्यो समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिश श्रोता तथा लोका अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिदयस्त्री सप्तसमित कृता देवा यद्यज्ञं तन्मान अवदनन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञ मायजन्त देवास्तानि कर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं
महिमानसचन्द यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरि ओम। कथा कहूं मति अनुसार पधारिए पवन कुमार सिया वर राम चंद्र रघुवीर रामचंद्र पवन सुत हनुमान उमापति you
मनो जुवं मारुत तूर्य वेगं जिते श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम Jai Ram Jai
Kailas,
महाराज। बाप केवल केवल और केवल मेरे सद्गुरु भगवान की कृपा से आज से इस परम रम्य भूमि पर राम कथा का आरंभ हो रहा है। भगवान आशुतोष कैलाशपति शिवजी की कृपा तो ही, फिर भी मैंने कथा का आरंभ केवल मेरे सद्गुरु भगवान की कृपा से किया, इसके पीछे एक कारण है, वो मैं बाद में कहूं। हम सब यहां पहुंचे आप सब जानते हैं कि इस पावन भूमि में चार कथा कहने का अवसर मेरी व्यासपीठ को प्राप्त हुआ। मैं किसी का नाम बोलूं ये मेरा स्वभाव नहीं है, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए बोल रहा हूं कि सबसे पहली कथा मानसरोवर के तट पर हुई, उसमें रमेश भाई सचदेव और उसका परिवार जो मेरी व्यासपीठ को समर्पित है वो निमित्त बन गए। फिर आगे बढ़े और भुसुंडी रामायण सरोवर पर कथा का मनोरथ हुआ और उसमें भी व्यासपीठ को समर्पित अमेरिका निवासी अस्मुख भाई पटेल और उसका परिवार उसमें निमित्त बने। फिर मन में इच्छा थी कि इस भूमि पर महात्मा लंकेश ने तपस्या की है, अगम वरदान प्राप्त की है इस आदमी ने,
और क्यों ना राक्षस ताल पर एक कथा गाई जाए। वो मनोरथ भी प्रभु ने पूरा किया और व्यासपीठ को समर्पित हमारा मदन और उनका परिवार राक्षस ताल की राम कथा का सेवा के लिए निमित्त बने। फिर कैलाश की परिक्रमा जहां से शुरू होती है उसी भूमि पर कथा की बात मन में थी और फिर एक बार एक कथा सचदेव परिवार इस सेवा के निमित्त मात्र बने। एक छोटी सी घटना घट गई कि रमेश भाई की बेटी रूपल और उसका दामाद जतिन, उनका 5 सप्ताह का बच्चा घूमने गए थे पति पत्नी कहीं, और अचानक बस उसकी सांस रुक गई और कुछ घंटों में ये बालक निर्वाण को प्राप्त कर गया। मैंने नेपाल में जब हम मिले थे श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए भी कहा था कि लास्ट ईयर मेरे कारण कथा बंद रही और उसमें दोनों ने बाप बेटे ने आकर कहा कि नहीं बापू हमें कथा नहीं करनी है, फिर आगे करेंगे। इस बार मैंने कहा कि हम कथा स्थगित रखें, कोई नाराज नहीं होंगे, तो इन दोनों ने कहा कि नहीं 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 कथा तो करनी ही है। और हम सब यहाँ आए हैं, पहले दिन स्वाभाविक इस बाल इस चेतना की स्मृति में पहला दिन आज हम कथा का आरंभ कर रहे हैं। तो ये कथा का जो यहाँ की ये चारों कथा इस का एक वो है, 3 साल से कथा कभी स्थगित होती है, बोलने वाले अपने अपने मनोभाव व्यक्त कर देते हैं, अहोभाव अधोभाव जो उनकी मानसिकता और उनका स्वभाव हो, लेकिन करीब 3 साल से चली ये योजना और जितना अच्छा उसको रूप दिया जाए ऐसा सबका भाव था। और इन युवाओं ने बहुत काम किया, इस भूमि पर बार बार 3 साल में आना और इस सब व्यवस्था करना और आखिर में भगवान महादेव ने हमारा इतना आतिथ्य किया, क्योंकि ये तो कल्पतरु की छाया में बैठने वाला आदमी है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, इसलिए बहुत सुचारू रूप से आयोजन हुआ। मैं पहले दिन भगवान महादेव से लेकर सभी परम चेतनाओं को स्मरूं, भारत के ऋषि मुनि, विश्व भर की महान चेतनाएं इनको मैं स्मरूं, संत साधु गणों को मैं आज स्मरूं, शब्द के उपासक साहित्यकारों को भी स्मरूं, विधविद कला के उपासकों को भी मैं आज याद करूं, चाहे वो कोई भी विधा हो कोई भी कला हो। यहां जो नहीं आ पाए इन सबको भी मैं याद करूं, कुछ लोग आए
तबियत के कारण लौटना पड़ा बीच से, इनको भी मैं याद करूं। और मेरी व्यासपीठ के असंख्य बहुत संख्या में सुनने वाले सभी विश्व भर के श्रोताओं को मैं व्यासपीठ से याद करूं कि आप आ न पाए, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सबकी शुभकामना हमारे साथ है, इसलिए मैं सब छोटे बड़े सभी को याद करूं। और हमारी कथा का जो कुल है, भय जे अहि जे होइहि आगे प्रणवम सब ही कपट सब त्यागे, जो हो गए शिव से लेकर जो हैं और आते रहेंगे कथा जगत में, इन सभी कथा जगत को भी मैं यहाँ से याद करूं, कवियों को याद करूं, शायरों को याद करूं, गायकों को याद करूं, नर्तकों को याद करूं, जिन्होंने विश्व में कुछ शुभ हो उसके लिए जो जो काम किया है, इन सबको मैं आज मेरी व्यासपीठ से मेरे महादेव की शरण में बैठकर आज यहाँ से याद कर रहा हूँ आप सब। और यहाँ आए आप सबको मेरा प्रणाम, जय सियाराम। मैंने कहीं कहा था कि हनुमान चालीसा का एक भाग कैलाश में करेंगे, और पहले तो पांच ही भाग करना था और कैलाश में उसका विराम कर देंगे, फिर बोलते बोलते लगा कि 11 बार करनी चाहिए, तो फिर लंबा चला, तो कैलाश में एक हनुमान चालीसा का वो करना था। लेकिन मेरे मन में कुछ बात, क्या करूं, क्योंकि कैलाश मुझे छोड़ता नहीं, तो मैंने सोचा शायद मानसरोवर में भी ये पहली पंक्ति थी, परम रम्य गिरीवर मानस कैलाश, उस कथा का नाम रखा था। तो कुछ शिव तत्व की बीच विशेष चर्चा करते हुए और हनुमान चालीसा का भी कुछ पार्ट साथ में, क्योंकि दोनों एक ही है, करके ये कथा हनुमान चालीसा ही मान लीजिएगा, लेकिन शिव तत्व की भी चर्चा करेंगे। तो परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु, हुए पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। लेकिन इस कथा का नाम मानस कैलास रखूं कि मानस हनुमान चालीसा रखूं? लेकिन मेरी आत्मा कहती है इस कथा का नाम रखूं मैं मानस 700, जैसे कभी ओलंपिक खेलों में लगता है फला एशियाड 2000, कभी कुछ, इसलिए इस कथा का शीर्षक रहेगा मानस 700। इसमें राम कथा अंतर्गत हम साथ में मिलकर चर्चा करेंगे। ये राम कथा का नाम है, मेरे विश्व के श्रोता भाई बहनों, मानस 700। फिर एक बार इन दोनों पंक्तियों का गायन करें। परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा Oh.
700 राम कथा का आरंभ हो रहा है। मैंने पहले कहा कि ये केवल केवल और केवल मेरे सद्गुरु भगवान की कृपा का परिणाम है। क्यों कहा, मैं एक बात को, कुछ बातें मेरी स्मृति में आती हैं तो कभी परिवार में, कभी बैठा हूँ, कभी स्नेहियों के साथ बैठा हूँ तो कभी बोल देता हूँ, लेकिन ये बात मैं पहली बार सार्वजनिक करने जा रहा हूँ। थोड़ा समझाना मुझे कठिन पड़ेगा, मैं समझ रहा, कोशिश करूं। पहली बात, आप सब जानते हैं मेरी कथा यात्रा में मैं कभी कभी साल में 24 कथा कर लेता था, ज्यादा कर लेता था, महीने में कभी कभी 3 हो जाती थी कथा। और उस समय आप सब जानते हैं व्यासपीठ का ऐसा कोई क्रम नहीं था कि कथा शनिवार को ही स्टार्ट करें और उसके बाद का शनि रवि रविवार को पूरा हो। लेकिन उसके बाद बहुत सालों से आप सब साक्षी हैं कि ज्यादातर कथा शनिवार को हम शुरू करते हैं और उसके बाद दूसरे रविवार को उसको विराम देते हैं। वैसे कारण उसके पीछे कोई भी नहीं, और कारण है तो कुछ है भी। इसका मतलब ये नहीं कि ये अटूट नियम रहा, कभी कभी किसी परिस्थितिवश, कभी कोई विशेष कारण से उसमें परिवर्तन भी करना पड़ा। जैसे कि चैत्र नवरात्र हो, शनिवार से न शुरू होता हो, अश्विन नवरात्र हो, या तो कोई विशेष कहीं कोई ऐसी स्थिति हो तो कोई किसी भी तिथि वार को हम शुरू कर देते हैं। लेकिन ज्यादा एक क्रम व्यासपीठ का रहा, जैसे कि बीच में हरिद्वार में
रामकथा थी तो शनिवार से नहीं, प्रतिपदा से शुरू करना था तो ऐसे हुआ। अब इसके बाद वर्धा की कथा है तो शनिवार से मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ 30 को पूर्णाहुति, भगवान करे कि मैं उसी दिन पहुंचूं, और 31 सुबह से संस्कृत सत्र का आरंभ हो रहा है, और फिर एक दो दिन का विश्राम के बाद 3 तारीख से करना हो मुझे एक दिन के बाद, तो वर्धा की कथा न कर पाऊं, इसलिए 5 तारीख से सोमवार से फिर वो कथा शुरू होगी। ये कथा भी शनिवार से शुरू होने वाली थी, पहले तो 13 से थी, फिर यहां की जो व्यवस्था, यहां के जो अधिकारी गण हैं, सबने कहा कि कुछ मुश्किल है, आप 2-3 सप्ताह कथा को आगे करें। हमने कहा कि ये करने से तो पूरा कार्यक्रम मेरा इसके बाद, क्योंकि ये पूरा लग जाएगा, फिर वर्धा की कथा के बाद एक दिन के बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना होगा, तो ये सब, फिर 20 से सोचा कि 20 से तो 20 निश्चित हुई, 20 सेटरडे था, लेकिन फिर कुछ आखिर में तो हम सब निमित होते हैं, मालिक की क्या मर्जी होगी, तो 22 से कुछ कथा शुरू हुई, अब 28 को शुरू करें। एक तो बड़ी अच्छी बात है कि सावन चल रहा है, श्रावण का सोमवार है और बाबा के यहाँ, तो एक तो अच्छा है, लेकिन जन्माष्टमी का दिन आया, अब जन्माष्टमी के दिन महादेव के आंगन में कथा कहना शुरू, लेकिन ये भी एक योग होगा। लेकिन मैं क्यों ये बात आपके पास राज कहने जा रहा हूं कि फिर इस जन्माष्टमी से क्यों, When I was 14, मैंने ऑलरेडी एक कथा कह डाली थी तलगाजरड़ा में, 1 महीने तक राम जी मंदिर में, और सावन में ही मैं कथा कहता था, दादाजी तो नहीं रहे इन दिनों में, और रामजी मंदिर में मैं पूजा करता था, आरती करता था। दिन था जन्माष्टमी का, मेरे मन में सुबह का जन्माष्टमी के दिन सुबह का रामचरितमानस का निरंतर जो पाठ चलता था मेरा, वो करते समय अचानक एक बार दादाजी से कथा पढ़ते पढ़ते कभी बात हुई थी, और ये तो स्वाभाविक है कि कैलाश में कथा शिव ने कही, वो बार बार कहते थे, तो उस समय तो कुछ मैंने कहा नहीं, उस समय कुछ आया भी नहीं मन में, लेकिन जन्माष्टमी के, 14 साल की उम्र थी तब, जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्म का उत्सव हो गया, मैंने आरती उतारी, ये सब उत्सव हो गया। अब दादा तो नहीं कि मैं उसको पूछूं, लेकिन खबर नहीं मेरे मन में ये बात चली कि क्या ये कथा कभी कैलाश में हो सकती है। अब बाल बाल मानस का ये सोच थी, 14 साल, अब दादा होते तो पूछता कि दादाजी आप मुझे, और मैं उसी मध्य रात्रि को राम जन्म, कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के बाद 1-2 बजे होंगे, मेरी वो स्वाभाविक स्थिति में मैंने, मेरी ये कुछ अपनी अपनी रीत होती है, मेरी माला से मैंने दादा के सामने प्रस्ताव रखा कि दादा आपकी कृपा से और शिव की कृपा से इतलगा जरड़ी वाली कथा कैलाश पे कभी हो सकती है।
और उसी दिन मुझे मैं जिस ढंग से चलता हूं उसमें जवाब में हाँ मिली थी, इसलिए इस कथा का मैंने आरंभ किया। इस कथा केवल 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 सदगुरु की कृपा का फल। मुझे आज इस बात की, जैसे शबरी ने राम को देखने के बाद कहा था ना कि ठाकुर आप आए, आप तो हमारा परम लक्ष्य हो, आप आए उसकी खुशी मुझे नहीं है, इससे ज्यादा खुशी मुझे यह है कि मेरे गुरु के वचन सफल हो गए, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि राम आएंगे। और वो दिन था जन्माष्टमी, और मालिक ने घुमा घुमा करके जन्माष्टमी के दिन ये तलगाजरड़ी छलांग आज कैलास के प्रांगण में है। केवल केवल और केवल एक गुरु की कृपा है। ईश्वर कैसा योग बना देता है समझाना बड़ा मुश्किल है। एक शेर से कोशिश करो कहने की कि सरापा राज हूं, कैसे बताऊं कौन हूं क्या हूं। सरापा मानी नक्षिक, पूरा का पूरा। शायर कहता है मैं रहस्य हूं, पूरा का पूरा। सरापा राज हूं, मैं कैसे बताऊं कौन हूं क्या हूं। मैं समझता हूं मगर जमाने को समझा नहीं सकता। आदमी इसके पीछे क्या रहस्य होगा, कैसे घटना घट जाती है, हम कैसे समझ सके, कैसे समझा सके, ऐसा कुछ घटा। और अंक भी 700 का आया। तो महादेव की तो कृपा का कोई प्रश्न ही नहीं, वरना तो यहां कैसे पहुंचे साहब, 2-3 दिन रहना मुश्किल है साहब, और यहां ये हमारे लड़के कितना कितने दिनों से काम कर रहे हैं, कोई कहां कोई कहां कोई कहां। तो कभी कभी कृपा की कोई सीमा नहीं होती साहब, असीम जिसकी कोई सीमा। और साहब ये भी सोचिए आप कि यहां आकर कथा कहना, और मैं कोई गर्व का तो सवाल ही नहीं, मेरे दादा ने मूल में से निकाल कर फेंक दिया है गर्व का, लेकिन एक आनंद जरूर है कि अनादिकाल पहले भगवान धुरजटी ने इस चोटी पर बैठकर जगदम्बा भवानी को कथा सुनाई थी, और उसकी तलेटी में गाने का हमको निमित्त बना दिया, अवसर बना दिया। इससे बढ़िया एक कर्म नहीं है तो क्या है, एक कर्म नहीं तो है क्या। आप सुनने आए तो आप भी गर्व मत करना, ये कर्म है। और यहां 500 चेतना के ज्यादा किसी का प्रवेश नहीं है साहब, जिन्होंने कैलाश की चेतना का अनुभव किया है वो सब जानते हैं। मैंने 2-3 बार अंगत बैठकों में कहा है साधकों के बीच भी कि मुझे कोई मेरा अंगत मंतव्य ले तो कैलाश के समान इस भूमंडल पर चेतना से सबर और कोई स्थान नहीं है, इससे ज्यादा कोई चेतना से सबर स्थान नहीं। यहां 500 चेतनाओं को ही प्रवेश मिलता है, इनमें से एक चेतना जब निर्वाण कबूल करती है कि बस अब हमें निर्वाण होना है, तभी कोई दूसरी चेतना को प्रवेश दिया जाता है। अटट अतूट और अखंड नियम है यहां, यहां हम सबको प्रवेश मिले ये कर्म नहीं तो क्या है। और करीब करीब हम भी 500 है, करीब करीब 300 तो मूल ग्रुप में, 200 करीब करीब जो कल आ रहे हैं, करीब करीब 500। तो केवल और केवल एक करुणा का ही महिमा है, और कोई यात्रा खतरे से खाली तो नहीं सा। मैं मानसरोवर में कदाच बोलियो कि मैंने खबर नहीं किया, मुराफड़ा में हाथ ना खुश हो साहेब, अज्ञात में हाथ डालता हूं, और इनकी कृपा फिर हमें पार लगा देती है। बाकी बड़ा मुश्किल है, रहता है
इबादत में सदा जान का खतरा। याद रखना मेरे भाई, रहता है इबादत में सदा जान का खतरा। हम यादें खुदा को करते हैं, कहीं कर ले न खुदा याद। हम यादें खुदा को करते हैं लेकिन कहीं कर ले न खुदा याद। रहता है इबादत में सदा जान का खतरा, लेकिन पंगु चढ़े गिरिवर गहन। कैसे? जासु कृपा सुदयाल, मुँह कहो ही बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमर दहन। तो सब भाग्यशाली हैं, और जो नहीं आ पाए वो नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि सबकी चेतना कैलाश में लगी हुई, दुनिया भर की मानसिक रूप से किसी कारणवश लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ यहां के कानून आदि आदि, लेकिन पूरा संसार लालायित है कैलाश की कथा सुनने के लिए। अब ये उस जन्माष्टमी की बात, इस जन्माष्टमी को पूरी हो रही है, तब मुझे याद आते हैं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। राम का चरित्र, राम का जन्म नहीं हुआ था, राम का लंका विजय नहीं हुआ था, बस उद्वेग था। नारद जी से पूछा कि कौन है ऐसा जिसका मैं चरित्र गान करूं, और नारद जी ने श्लोकों की जड़ी बरसा दी, और राम आए विश्व में, इससे पहले उसने चरित्र लेखन किया, और फिर घटना घटी। कभी कभी किसी के वचन पहले निकल जाते हैं और घटना बाद में घट जाती है, वरना कोई भी घटना घटने के बाद लिखी जाती है। ये सब संगति हो रही, इसलिए एक घटना और भी मेरे स्मरण में। अमेरिका का एक बहुत बड़ा लेखक, नवल कथाकार मैगोर्न जिसका नाम है, उसकी गुजराती में परिचय मैं पढ़ रहा था, मैगोर्न उसका नाम, उसने एक नवल कथा लिखी, द रैक ऑफ द टीटान। कल्पना, और मैंने पढ़ा कि उसके जीर्ण छीर्ण पन्ने फिलाडेल्फिया की एक म्यूजियम में है, ऐसा मैंने पढ़ा। एक कल्पना की इस लेखक ने, टीटान का अर्थ लिखा है, टीटान यानी महाकाय अथवा तो दिग्गज महाकाय। उसने उसकी नवल कथा में टीटान नामक एक बहुत बड़ा जहाज की कल्पना की है, और ये ऐसा जहाज जलपोत जिसमें 3000 लोग बैठ सके, रह सके, और उसका नाम टीटान उसने इसलिए भी दिया कि ये कभी डूबे नहीं, डूबने वाला नहीं, ऐसा ही जहाज है। कथा का ये नवल कथाकार मैगोर्न लिखता है कि अप्रैल में उसकी पहली सफर शुरू हुई, 3000 अमेरिका की ये कल्पना है, 3000 बहुत धनाढ्य, बहुत श्रीमंत, बहुत बुद्धिजीवी, हर क्षेत्र के बड़े बड़े लोग उसमें सवार थे। इतना बड़ा जहाज, उसमें यदि कुछ अकस्मात हो तो सहाय के लिए जो छोटे छोटे नौकाएं चाहिए वो मात्र 24 थी, और वो यात्रा पर अप्रैल में, ये नवल कथा है, कल्पना है, चलता है, कभी न डूबने वाला, कभी न मिटने वाली, नवल कथाकार की ये मीठी कल्पना। और फिर कहते हैं एक हिमशिला से टकरा जाता है और ये टिटान डूब जाता है। कुछ लोग
जो सुरक्षा व्यवस्था थी इससे बचे, सब खत्म हो गए। अप्रैल में घटना घटी इस नवल कथा में, कल्पना में। 1912 में टाइटेनिक घटना घटी, वहां टिटान नाम था, केवल कल्पना। और 1912 में टाइटेनिक जो स्टीमर डूबी, इतनी विशाल काय, उसमें भी 2000 से कुछ ज्यादा यात्री उसमें सवार थे, और महीना अप्रैल था, और वो सफर को निकलता है, उसमें भी सुरक्षा के साधन कुछ कम थे, और हम सब जानते हैं उस पर से तो एक पिक्चर भी बना टाइटेनिक के, और आखिर में बिल्कुल मिलती जुलती, कहां एक कल्पना और कहां कालांतर में एक ऐसी हकीकत बन करके बात रह जाती है। कुछ ऐसा इस कथा में संयोग बन रहा है कि इतने साल पहले जन्माष्टमी का मेरा ये भीतर से पूछना और कृपा से मिला हुआ जवाब, और वो इस जन्माष्टमी से पूरा होने को है। एक कर्म नहीं तो क्या है। तो हम सब यहां पहुंचे हैं उनकी कृपा से, और कई लोगों को तो मैं देखता हूं कि मानो यहां आए ही नहीं, इतने स्वस्थ नजर आ रहे हैं, यहां की कोई हवा उसको छूती भी नहीं है, ऐसे स्वस्थ है। तो मेरी व्यासपीठ कैलाश की ओर से आप सबका स्वागत कर रही है। तो बड़े आनंद का विषय है कि आज से हम राम कथा का मानस 700 का आरंभ करने जा रहे हैं। एक दूसरा भी मुझे इस कथा से प्रारंभ करना है, वो भी आखिर में आप उसी ढंग से बोले, इसलिए पहले कह दो। जय शब्द मुझे रास नहीं आता है, आप सब जानते हैं। रामचरितमानस में भी कही जय 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 रघुकुल, तुलसी जी ने बहुत जय जयकार किया है, जय जयकार हर उस क्षेत्र में होता है, हम भी जय जयकार करवाते रहते हैं, लेकिन ये जय जयकार जीव का है, मेरे जीव का नहीं है। इसलिए इस 700वीं कथा में जब व्यासपीठ से रामचंद्र भगवान की जय जब बोला जाए, तब प्लीज आज से रामचंद्र भगवान प्रिय हो, बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो, सदगुरु भगवान प्रिय, ये नारा मेरी व्यासपीठ का रहे। इसका मतलब ये नहीं, मैं पूरी परंपरा समझता हूं, क्या ये हनुमंत विराज जी के बाद अवधि परंपरा है, इसमें रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम जय राम गाएंगे, इस थोड़ी परंपरा को मैं थोड़ा आदर देता चलूंगा, लेकिन मेरी आत्मा की जो आवाज है वो आज मैं प्रकट कर रहा हूं, और इससे बढ़िया स्थान कौन हो सकता है, क्योंकि आत्मा तम गिरिजामति साहब, कैलाश तीन है, तीन कैलाश, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। एक कैलाश तो ये है सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, कौन रहता है यहां, इससे ज्यादा किसी को अधिकार नहीं है रहने का, आप कल्पना तो कीजिए, यहां सिद्ध लोग रह सकते हैं। हमको मौका मिल गया साहब, देखो तो कर्म नहीं तो क्या है, हम बिल्कुल असिद्ध लोग, हर क्षेत्र में असिद्ध, हर क्षेत्र में विफल। सिद्ध तपोधन, जिसके पास तपस्या की पूंजी होती है वही यहां रह सकते हैं, योगी होते हैं वही रह सकते हैं, देवता रह सकते, किन्नर रह सकते, मुनिवृंद रह सकते, जो सुकृति है, जो पुण्य से भरे हुए किसी न किसी रूप में यहां घूमते रहते। तो एक कैलाश तो देवताओं से भरा हुआ जिसका महादेव नायक है, एक कैलाश है हमारा शरीर, शरीर भी कैलाश, देह भी कैलाश, और इस देह में भी जगत गुरु शंकराचार्य के शब्दों में आत्मा तम गिरिजामति
शिव और पार्वती सदा जहां शिव उमा निवासो, आत्मा के रूप में शंकर और मति के रूप में माँ पार्वती कायम निवास। तो ये देह भी कैलाश है और तीसरा बिल्कुल सूक्ष्म आध्यात्मिक कैलाश है। आखिर में तो हमें वहां तक पहुंचने की ये सब यात्रा है, वहीं जाने की। हम बैठे थे और चर्चा चल रही थी, रमण महर्षि को किसी ने पूछा कि बाबा कैलाश कहाँ है, जरा बताइए। प्रश्नोत्तरी हो रही थी या तो पत्र व्यवहार हो रहा, तो भगवान रमण को किसी ने पूछा कि कैलाश कहाँ है बाबा आप बताइए। तो रमण मुस्कुराए और इतना ही कहा, कैलाश की छोड़ तू कहाँ है ये बता, क्योंकि तू यदि तू को समझ जाएगा तो तेरा कैलाश वही होगा, तू यदि तुम्हें पहचान ले तो तेरा कैलाश वहां होगा। तो कैलाश देह भी कैलाश है, आत्मा इसमें शिव है। तो मुझे लगा कि ये परिवर्तन या कोई शब्द मैं नहीं लगाना चाहूं, लेकिन हाँ मैं फिर भी कहूं कि ये श्री राम जय राम तो गाएंगे हम, और रामचंद्र भगवान की जय, रघुपति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान ये जो हमारा चालू रखू थोड़ा, लेकिन जे मूल तीन वस्तु जे जो है, रामचंद्र भगवान की जय, जो बालकृष्ण भगवान की जय सदगुरु, उसमें आज जब कथा पूरी होगी तब से शुरू होगा रामचंद्र भगवान प्रिय, क्योंकि तुलसी की आत्मा जय जयकार की नहीं थी, प्रियता की थी। इसलिए शास्त्र पूरा हुआ तब उसने कहा प्रिय लागहु मोहि राम, राम का जय जयकार की चर्चा उसने नहीं, मुझे राम प्रिय हो। क्यों न हम गोस्वामी के इन शब्दों का आज से आरंभ करें मानस 700 में, तो रामचंद्र भगवान प्रिय हो। मुझे पता है कि इसकी चर्चा होगी, होने दो, वो नहीं चाहिए, लेकिन कोई जय जयकार बोलेंगे तो मैं उनके साथ जय जयकार बुलाऊंगा बोलूंगा, कोई किसी सभा में बैठा होगा कोई कहेंगे कि जय तो मैं भी बोलूंगा, लेकिन मेरी आत्मा की पुकार आज से ये कहेगी इसकी, क्योंकि राम मेरा सत्य है। कृष्ण मेरा प्रेम है और शिव मेरी करुणा है। मैं बार बार बोला हूं राम यानी सत्य, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम, कृष्ण मानी प्रेम और शिव कर्पूर गौरम करुणा अवतारम एक करुणा। इसलिए जैसे भुसुंडी रामायण, भुसुंडी सरोवर की कथा से हमने आखिर में भुसुंडी रामायण का पाठ समापन में शुरू किया और सुचारू रूप से ये चल रहा है। तो ये तीन जय जयकार जो है, हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय बुलाऊंगा, अभी थोड़े दिन शुरू रखूंगा, फिर हनुमान जी महाराज की भी जय, हाँ लेकिन ये तीन, वो सब जीव से मैं बोला, ये जीव की मेरी वो है। तो ये आप याद रखना कि आज की कथा पूरी हो तब ये उद्घोषणा हम करेंगे। और मैं आपसे भी प्रार्थना, कोई जय जयकार करता हो अपने इष्ट देव का, अपने धर्म का, अपने किसी सदगुरु का, तो इसमें तुम विरोध मत करना कि नहीं नहीं बापू तो कहते प्रिय हो, नहीं नहीं मेरी व्यासपीठ का समर्पित कभी किसी का विरोध न करे तो ही समर्पित है, वरना ठीक नहीं। किसी का विरोध नहीं, सबकी अपनी मस्ती है सबकी। तुलसीदास जी ने कितनी बार जय शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन मैंने उसकी आत्मा को जानने की कोशिश की है कि आखिर में तो ये बाबा ये कहता है प्रिय लागहु मोहि राम, काम ही नारी प्यारी जिमी, और दृष्टांत कितने उत्कृष्ट देता है, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी। और साहब राम जय जयकार के मोहताज नहीं है, वो प्रेम करने योग्य है। कृष्ण जय जयकार के मोहताज और शंकर जय जयकार के मोहताज नहीं, वो प्रेम करने योग्य है। ये तो प्रेम नहीं कर पाए इसलिए पूजा शुरू की। और साहब सत्य को न जय होती है न पराजय होती है, प्रेम में कभी किसी की जय हुई हो मैं नहीं समझता, प्रेम में किसी की जय हुई तो ये प्रेम शायद नहीं, क्योंकि प्रेम दोनों से पर है, न जय है न पराजय है।
सत्य दोनों से पर है। मैंने कई बार ये वक्तव्य दिया है कि सत्यमेव जयते, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन सत्य को कहां पता है कि मेरी जय हो रही है कि पराजय हो रही है? उसको इतनी फुर्सत कहां है? करुणा की न जय होती है न पराजय होती है, न सत्य की जय होती है न पराजय होती है, न प्रेम की कोई जय होती है न उसकी पराजय। राम सत्य, कृष्ण प्रेम और शिव करुणा है। इसलिए आप सबको रास आ रहा है? नहीं तो मेरा व्यक्तिगत में थोपना थोपता नहीं आप पर, मैं तो बुलाऊंगा आज से, लेकिन आपको रास ना है तो आप जय बोल सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन गतानुगति भी मत करना, लेकिन मेरी व्यासपीठ की ये पुकार रहेगी, ये हमें प्रिय हो, ये हमें प्यारे लगो। तो ये भी एक मुझे इस कथा से स्वाभाविक उसका आरंभ करना था, इसलिए पहले आपको सूचना दी। आइए मानस 700 का हम आरंभ कर रहे हैं महादेव के रुद्राष्टक से। नमः
प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयस्वरूपं कर्म नहीं तो क्या है, इसको सतत निरंतर स्मृति में रखिएगा और रामचरितमानस के साथ सोपान जो सत्य प्रेम और करुणा की ही गाथा गाता है उसका आप अर्क निकालो। जैसे चहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, गोस्वामी जी ने कहा मेरे मतानुसार यदि पूरे रामचरितमानस का सूक्ष्मतम अर्क निकाला जाए तो तत्वतः
एक कथा सत्य की है, एक कथा प्रेम की है, एक कथा करुणा की है, तीनों की ही ये महिमा गा रही है। इसलिए इसमें राम का सत्य भरपूर भरा है, इसमें भरत का प्रेम भरपूर भरा है, और उसमें शिव की करुणा भरपूर भरी है। तो ऐसी राम कथा का आज से उन्हीं की कृपा से आरंभ हो रहा है। तब आइए गणेश जी का और श्री हनुमान जी का केवल स्मरण कर ले विनय के शब्दों से। दाइये गण पति जगवंदन, दाइये गण पति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइये गण पति जगवंदन, गाइये गण पति जगवंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, गाइये गणपति जगवंदन, गाइये गणपति जगवंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, वर्णानामर्थ संगानां रसानां छंदसा मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्यां विनान पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त समी, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर यमाश्रितो वक्रो चंद्र सर्वत्र मनन, जो सुमिरत सिधि हो गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदया द्रव सकल कलिमल दहन,
नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहुँ सोमम पुर धाम सदाशिव सागर शयन कुंडइंदु समदे उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर ने करहु कृपा मरदन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तनम पूज जासु वचन पांच सोरठे में तुलसी जी ने पंच देवों की वंदना की और आखिर में गुरु वंदना की। मेरी व्यासपीठ ने कई बार कहा है, फिर मैं दोहराऊं कि गणेश की वंदना की जाए, गौरी की वंदना की जाए, भगवान गौरीश यानी शिव की वंदना की जाए, भगवान विष्णु की वंदना की जाए और सूर्य की वंदना की जाए। लेकिन यदि हम ये न कर सकें मानो तो गुरु वंदना में गौरी वंदना भी आ जाती है, गुरु वंदना में गणेश वंदना भी आ जाती है, गुरु वंदना में गौरीश वंदना भी आ जाती है, गुरु वंदना में विष्णु वंदना भी आ जाती है और जासु वचन रवि कर निकर गुरु वंदना में सूर्य वंदना भी आ जाती है। एक निष्ठ के लिए एक में पांचों समाहित हो जाते हैं। लेकिन हमारी परंपरा पंचदेवों की पूजा की बात करती है, इसलिए तुलसी जी ने उसका बहुत सुंदर निर्वहन किया है। और रामचरितमानस का पहला प्रकरण गुरु वंदना का है, आप सब जानते हैं, गुरु वंदना का पाठ भी आप सब करते हैं। आइए हम सब गुरु वंदना का पारायण करें। बंदव गुरु सुरुचि सुहास सरस संभूतन विमल विभूति मनचुल मंगल मोद प्रसूति जनगण मन मंजू गुरमल हरि किए तिलक सूर्य
मणिमानिक उपुत प्रगट जहाँ जो जे खारी जथा स्वंजन आदि द्रग साधक सीधा कौतुक देखत सैन बन मंजुल नय नय दोष विभिन्न चैत भो चर बंदु गुरु पर पदुम परा सुरुचि सुभास सरस अनुरागा बंदु पर पदुम परा मानसकार ने पहले प्रकरण में गुरु वंदना की है। गुरु शिव है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, परम गुरु है भगवान शिव। और चार तत्व जिसमें देखो उसको गुरु भाव से प्रणाम करना, चुकना मत। आप जरा ध्यान से सोचिए, शांति से, कि ये भगवान शंकर यहां ना बैठा होता, कहीं कहीं समशीतोष्ण ऋतु हो वहां बैठा होता तो सरल होता, यहां हमको आना पड़ता है। यहां क्यों बैठा है? क्योंकि शिव को कैलाश प्रिय है। क्यों? कैलाश में चार चीज है, कोई भी गुरु को चार चीज प्रिय होती है। और जिस महान व्यक्ति को चार चीज प्रिय हो उसकी गुरु वंदना होती है। एक, कैलाश में ऊंचाई है, इन्हें हल्का विचार न फावे, हल्कु दर्शन न फावे, ऊंचाई है, अनटच है। एवरेस्ट पर तो गए, कई लोग गए जा रहे हैं। मैंने सुना कि यहां भी किसी ने प्रयोग किया था, प्रयत्न किया था, लेकिन बीच से गिर पड़ा और फिर एक नियम बना लिया यहां के लोगों ने कि उसको कभी कोई कोशिश न करे। वहां तो कोई शिव और पार्वती वास करते, सदा जहां शिव उमा निवास। ये कामकाज करने के लिए काशी जाता है, लेकिन विश्राम कक्ष तो इसका यहां है, यहां रहता है। जाता है दुनिया का विश्वनाथ जो नाम दे दिया, तो विश्व की देखभाल करनी पड़ती है उसको, कौन क्या है। इसलिए एक दोस्त कभी कभी जाता होगा, लेकिन यहां क्योंकि शिव को ऊंचाई प्रिय है। सदगुरु वो है जेने नबड़ू फावे नहीं, वो सदगुरु। दूसरी, कैलाश स्थिर है, शंकर को अस्थिरता प्रिय नहीं। मन स्थिर करी तब शंभु सो जाना, ये स्थिरता का प्रतीक है। सदगुरु कोई लाख गाली दे, कोई लाख गैर समझ करे, कोई लाख कुछ करे, वो अपना धैर्य और स्थैर्य गंवाए नहीं, क्योंकि स्थिरता उनका आसन है। तीसरी बात, कैलाश शीतल है, शिव ठंडी में बैठा है। सदगुरु वो है जिसका स्वभाव शीतल होता है, कभी उग्र नहीं होता। आप कहेंगे कि भगवान शंकर तो उग्र है, वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम, अग्नि नेत्र से तो जलाने का काम करता है। नहीं नहीं, उसके समान कोई शीतल नहीं, शीतल है।
तो ऐसा काम को जलाता है राम को कभी नहीं, राम को जलाएगा राम को कभी नहीं। सीता जी की अग्नि कसौटी की गई, अग्नि सीता को जला पाया? श्रीखंड सम गोस्वामी जी कहते हैं परम सत्य को कोई जला नहीं पाता, सीता को अग्नि जला नहीं पाई, ये कथा आप जानते हैं। किसी ने एक प्रश्न किया था ना कि भाई सीता जी की अग्नि कसौटी की गई, राम की क्यों नहीं? ये बहुत बौद्धिक लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, और कई जो सुधारावादी लोग जो हैं ये लोग ऐसे आक्षेप खास करके रामायण की कथा कहते हैं उनके सामने लाते हैं, और कुछ महिला कार्यकर भी ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि राम की कसौटी क्यों नहीं, अग्नि कसौटी उसकी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो अकेले घूमे हैं पिलों के साथ बंदरों के साथ फला के साथ, उसकी भी सीता जी की बाद में हुई, पहले राम की अग्नि कसौटी ऑलरेडी हो चुकी थी। और वो जब मिथिला में राघव दुल्हे के रूप में निकला तब वहनी नैनम एक अग्नि नहीं पांच पांच अग्नि नेत्र राम को देखने के लिए, लेकिन राम जला नहीं, क्योंकि राम को कोई जला नहीं पाता, जानकी को कोई जला नहीं पाता, राम को भी कोई जला नहीं पाता, क्योंकि ये शैत्य का धारक है। सदगुरु शीतल होता है, इसलिए तुलसी जी ने मैं कई बार कहा तुलसी ऐसे शीतल संत, शीतल शब्द प्रयोजित किया संत के विशेषण में। शिव को शीतलता प्रिय है, शिव को ऊंचाई प्रिय, शिव को स्थिरता प्रिय है, और शिव को एकांत प्रिय है। एकांत बड़ा सुरक्षित रखकर ये बैठा है। प्रजानाथ है अवश्य, पशुपतिनाथ है अवश्य, ये प्रजानाथ भी उनका एक नाम है शिव का, ये प्रजान प्रभो प्राणनाथम विभु विश्वनाथम उनके स्तोत्र हैं, ये प्रजानाथ के रूप में भी प्रसिद्ध है। लेकिन उसकी रुचि उसका स्वभाव एकांत है, सदगुरु का ये लक्षण होता है, उसको एकांत प्रिय होता है। ये आदमी भीड़ के नहीं होते, भीड़ में हो तो भी अपना एकांत बचाए रखता है, उसका स्वभाव शीतल होता है, उसको ऊंची बात ही अच्छी लगती है, ऊंचाई पर रहना उनका स्वभाव है। और मेरु रे डगे पण जेना मनड़ा न डगे, कोई भी परिस्थिति उसको विचलित नहीं कर सकती। तो ऐसे सदगुरु शिव है, मानस में पहली एक गुरु वंदना है, और कौन पार पाए उसका, गुरु तारो पार न पाए। भारती बहन ने विनती करिए के गुरु तारो पार जी रे सन
भूत गणेश देव ने सामरू सामरू शारदा मात ने भेजी वारी वारी में वारी रत्नी ना माली भेजी तमे रे तारो तो छिले ए जी रे संतोष बाजी नो चेलो पंडित देवाय तू बोलिया रे जी ए जी रे संतोष बाजी नो चेलो पंडित देवाय मीना मालिक ए जी तमे रे तारो तो अमे करिए रे जी प्रथमीना मालिक ए जी तमे रे तारो तो अमे करिए रे लेकिन पद है गुजराती में पार हरी जन पावे संतो लेखा जोखा बतावे रामनी अजब रचना रे एनो पार हरी ईश्वर का कोई पार नहीं पा सकता लेकिन हरिजन पा लेता है गुरु का कोई पार नहीं पा सकता लेकिन चेला पा लेता है शिष्य पा लेता कह कबीर मैं पूरा पाया पा ली फिर भी ये बात क्यों आई कि गुरु तेरा पार न पाया इसका मतलब कि पार पाना कोई चाहता नहीं डूब जाना चाहता है गुरु को स्वामी शरणानंद जी का वाक्य याद आ रहा है कुछ तत्व संसार में ऐसे हैं जिसको माना जाता है जाना नहीं जाता चाहे कोई विशिष्ट तत्व हो सदगुरु हो या परमात्मा उसको माना जाता है कोई जाना नहीं जाता जान तो इसी अर्थ में क्योंकि जो मानने जाता है जो वो डूब जाता है फिर पार पाने का मौका ही नहीं मिलता असीम तत्व का ऐसी गुरु की वंदना गोस्वामी जी ने कि ऐसे ही गुरु है श्री हनुमान जी महाराज महावीर बिन बाहु हनुमाना राम जासु जस आप बख प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसही राम सरजा तो आप जानते हैं क्रम में फिर हनुमान जी की वंदना और हनुमान जी भी परम गुरु हैं और ये पंक्ति और ये जासु हृदय आगार बसही राम सरजा दर उसमें भी अंततोगत्वा गुरु की ही व्याख्या है गुरु कौन जो महावीर हो जिन्होंने षड रूपों को मार दिया नहीं लेकिन अपनी इच्छा से संचालित किया क्या गुरु क्रोध नहीं करेगा कभी शिष्य के शुभ के लिए कभी डांटेगा भी और मैं तो इसमें बहुत मानता हूं कि तुम किसी एक महा सदगुरु में एक निष्ठ हो और तुम्हारा गुरु
प्रतीक्षा करो कभी तुम्हें डांटे कि तूने ये किया, उसी दिन तुम्हारी गुरु पूर्णिमा होगी, बाकी गुरु पूर्णिमा एक औपचारिकता रह जाएगी साहब। कोई डांटे, कोई हमको कहने वाला हो, लेकिन ये क्रोध बोध के लिए हुआ करता है। षड रिपु को वो संचालित करता है, षड रिपु षड विकार उसको संचालित नहीं कर सकता, वो संचालित करता है, महावीर होता है। ठीक गोस्वामी जी ने निर्णय दिया, महावीर बिनवाऊं हनुमाना, और गुरु हनुमान होता है। कई संतों ने इसकी परिभाषा की, जिन्होंने अपने मान को मिटा दिया, नहीं ध्यान देना ये मानस है, हनुमान का अर्थ मान का हनन कर दिया, शब्दार्थ में कर लो ठीक है, मान का हनन कर दिया, मान मिटा दिया, नहीं गुरु किसी को कुछ मिटाने में पड़ता ही नहीं, गुरु अपने पास आई ईश्वर कृपा से जो मान संपदा है वो बांट देता है, मान देता है, बांटेगा, सब ही मान प्रद आपु अमानी, ये लक्षण है। महावीर बिनवाऊं हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। कैसा ये गुरु होगा जिसके बारे में बोलने को राम को इच्छा होती होगी, भरत भैया कपि से उरिन हम नाई। और क्यों क्यों हनुमान जी को स्मरता है राम, क्यों हनुमान की इतनी वो करते हैं कि एक पंक्ति आती है, आज्ञा भंग कबहु नहीं के लिए, जहां पठवो तहां जाए। महावीर बिनवाऊं हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना, प्रणवऊं पवन कुमार। पवन आदमी को पवित्र करता है, पवन व्यक्ति को गति देता है, पवन व्यक्ति को जीवन देता है, गुरु वो है जो गति देता है, पवित्रता देता है और जीवन प्रदान करता है। प्रणवऊं पवन कुमार खल बन पावक, हमारी दुर्वृत्तियों के लिए उसको भस्म करने के लिए उसकी करुणा उसको जला देती है, हमारी दुर्वृत्तियों को मिटा देती है। प्रणवऊं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, और निरंतर ज्ञान का घनुभीत घनीभूत रूप होता है गुरु, ज्ञान स्वरूप होता है अखंड मंडलाकारम, ये संपूर्ण ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान ने ही विग्रह धारण किया होता है। जासु हृदय आगार, जिसके हृदय में निरंतर राम निवास करता है, कभी हराम निवास नहीं करता, ये भी लक्षण गुरु परक माने जाते हैं। इसलिए प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर। श्री हनुमान जी की महाराज, हनुमान जी की भी वंदना की इस कथा में, हनुमान चालीसा की मुझे स्मरण भी करवाया गया है कि लास्ट हनुमान चालीसा के बारे में बोला गया, कहाँ तक हम पहुँचे थे, वहाँ से थोड़ा गति करेंगे, साथ साथ शिव तत्व की चर्चा करेंगे, जो स्फुरण होगा सो करेंगे, आखिर में तो जो बोले सो हरि कथा है, ये राम कथा ही है। तो इतनी केवल आज के दिन की वो करके कथा को मैं विराम देने की ओर अग्रसर हूँ। इससे पूर्व इस यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सहयोग किया है, यहाँ के पदाधिकारियों ने, जिम्मेवार व्यक्तियों ने, आर्मी ने, सबने इस कथा में बहुत सहयोग दिया है और उसको पूरा भरोसा है व्यासपीठ पर कि ये व्यासपीठ कोई प्रचार करने नहीं निकली है, ये व्यासपीठ को कोई गुटबंदी नहीं है, ये व्यासपीठ केवल एक विश्व मंगल के लिए एक अनुष्ठान करने के लिए यहाँ आई है। इसलिए सब अधिकारीगण, सब जिम्मेवार लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। मैं स्वागत करता हूँ इन सभी का, ये सहयोग का। और एक अधिकारी को तो मैंने
कल जो यहाँ का गवर्नर जो है मुझे मिले, जो जिम्मेवार व्यक्ति मिले, तो मैंने तो उसको निमंत्रण भी दिया कि हम यहाँ आए हैं, आप हमारे कैलाश आइएगा, तो आप भी आए, बड़े खुश हुए। तो सबके सहयोग की मैं नोंद लेता हूँ, पूरे राष्ट्र को, सभी भाई बहनों को मैं बधाई देता हूँ, और सबकी सुखाकारी के लिए, प्रसन्नता के लिए, प्रगति के लिए मैं शिव जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इन सबका, और सब बहुत सहयोग कर रहे हैं। और कुछ न कहते हुए पुनः एक बार सबको याद करते हुए, हर क्षेत्र में जो जो लोग हैं, इन सबको यहाँ से मैं याद में, क्योंकि मैं कई लोगों को कहकर आया, कोई कुछ बापू हमारा तो चांस ना लागे, मैं क्यों नहीं हूँ, तुमने याद करी, इसलिए मैं सबको याद कर लेता हूँ कि आप सबके लिए भी हमारी पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं। आज की कथा को हम यहाँ विराम दें, कल की कथा, वैसे तो अब कल से रोज सुबह 10 बजे कथा शुरू करने का एक क्रम सोचा था कि 10 से 1 कथा गाएंगे, क्योंकि शाम को फिर पवन तेज होने लगती, वातावरण चेंज होता है, वो भी डूब जाता है, कल तो था 9-10 बजे तक, क्योंकि संध्या पूजा करने के लिए जाता है ना, तो वो भी कुछ अंचला उड़ ले, लेकिन कल तो बहुत खुला, इतना खुला मैंने महादेव कभी नहीं देखा मेरी इतनी यात्रा में सा। कल जो था, मैं मानसरोवर आया, राक्षस ताल से भी कैसा दिखता था साहब, दूर दूर, लेकिन कल बहुत, तो फिर वो अपना रूप बदलता है, सकल कला गुण धाम है ना, खबर नहीं उनकी कला उनकी लीला, वो ही जाने। तो सुबह 10 से कथा का आरंभ, लेकिन कल के लिए हम कथा 3 बजे शुरू करेंगे, क्योंकि एक ग्रुप आ रहा है, उसको लगता है कि आज की कथा तो हमारी वो हुई और कल भी हम आएंगे, तो इसलिए अब लाइव टेलीकास्ट का तो कहीं कोई कुछ है नहीं, इसलिए कभी भी शुरू करें तो चलता है ना, अहीं कहीं तो मैं जवाना नहीं, इसलिए। लेकिन कल फिर 3 बजे 1 बजे तक वो सब आ जाए, थोड़े फ्रेश हो जाए, उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक कथा, ये 3 घंटे तो अपना खाली एक औपचारिक, बाकी कहीं ठिकाणू नहीं, हम केटलू अपने गाइए, कितना गाए कितना चले जो उसकी मर्जी। तो कल 3 बजे फिर कथा का आरंभ करेंगे, आज की कथा को यहाँ, और आप सब, आपको सूचना देने की जरूरत नहीं, स्वस्थ रहिएगा और प्रसन्न रहिएगा, जरा भी कुछ रिस्क मत लेना, बस एकांत में रहना, एकांत में माथे उठी नहीं भेज जाऊँ एकांत, पर शंकर की तरह एकांत में, स्थिरता में, शीतलता में, प्रसन्नता में रहिएगा, तबीयत का बहुत बहुत ख्याल करिएगा, और हम सबके ये 9 दिन बड़ी प्रसन्नता से जाए। और कुछ न कहते हुए उत्तरोत्तर कथा में कैसी कृपा हुई है, कहाँ मानसरोवर की कथा, दुर्गम से दुर्गम कथा सा, मंडप फड़ाफड़ी बोलती थी, कोई मंडप का ठिकाना नहीं था साहब, ऐसे में कथा थी, वो रास्ते ऐसे कैसे कैसे पहुँचे हो तो महादेव जाने साहब, ऐसे फिर भुसुंडी सरोवर भी बड़ा जटिल मामला था, लेकिन वो भी संपन्न हुआ, राक्षस ताल में सुविधा और बढ़ी, और सुचारू रूप से हम आगे, और यहाँ आते आते अब तो उनकी इज्जत का सवाल है, हमें क्या आया, वो जाने उनकी इज्जत जाने, और बहुत आनंद के साथ हम 9 दिन यहाँ कथा का गायन करेंगे। आज की कथा को विराम दो, इससे पहले 2-3 मिनट। हरे राम 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 सीता, हरे राम 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 सीता राम राम
राम राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम Ta-da.